गुड मॉर्निंग, आज बच्चों की आपकी हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण अध्याय 19 वाक्य श्रुति पढ़ेंगे। वाक्य श्रुति, हमारी जो भाषा हिंदी वह बहुत ही मधुर और सरल है। हिंदी भाषा सीखने के लिए आवश्यक है कि हम उसका शुद्ध प्रयोग सीखें, उसके वाक्यों को शुद्ध लिखना और उसका शुद्ध प्रयोग करना सीखे। कभी कभी अज्ञानता के कारण या भ्रम के कारण हमसे कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। प्रत्येक छात्र को लिखते या बोलते समय वर्णों और ध्वनियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हम वाक्य लिखते हैं तो हमसे कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। ये जो गलतियां होती हैं वह गलतियां धीरे धीरे हमारे प्रयोग में आती जाती हैं और ये गलतियां प्रायः हमें सही लगने लगती हैं और उसका प्रयोग हम करते चले जाते हैं। इसलिए हमें वाक्य शुद्धि प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। वाक्य शुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, क्रिया विशेषण, पद क्रम संबंधी इत्यादि संबंधी वाक्य शुद्धियां हो सकती हैं, जो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में बन जाते हैं। इसलिए हमें वाक्य शुद्धि का प्रयोग करना आना चाहिए। देखिए, यहाँ हमने कुछ वाक्य लिखे हैं अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। देखिए, जैसे राम ने देवता का दर्शन किया, यहाँ आपका वचन संबंधी अशुद्धि है। देखिए, राम ने देवता, जो देवता होते हैं वह पूजनीय होते हैं, जो भी पूजनीय होते हैं उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो यह वाक्य अशुद्ध है। और शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा राम ने देवता के दर्शन किए, क्योंकि जो देवता होते हैं ईश्वर होते हैं वह पूजनीय होते हैं, और जो भी पूजनीय होते हैं उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो यह वाक्य हमारा अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, मैं अमरूद खाया, इसमें देखिए इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। मैं अमरूद खाया, यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा देखिए मैंने अमरूद खाया, क्योंकि इसमें कारक संबंधी अशुद्धि, इसमें ने का प्रयोग नहीं किया गया है, इस वजह से यह वाक्य अशुद्ध है। और शुद्ध वाक्य यह है देखिए मैंने अमरूद खाया। अब देखिए तीसरा, सुरेश कप करके तौलता है, इसमें क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है। सुरेश कम करके जब वह तौलता है तो पूरा तौलने के बाद वह कम करता है, इसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होगा जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा सुरेश कम तौलता है। अब देखिए चौथा, पुलिस द्वारा अपहृत बालक बराबर, इसमें पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। पद क्रम यानी जो हमारे पद के क्रम है वह ठीक क्रम में नहीं लगे हैं, तो यह पद क्रम अशुद्धि हो गई। देखिए इसमें लिखा है पुलिस द्वारा अपहृत बालक बराबर, तो पुलिस द्वारा अपहृत मीन्स होता है अपहरण किया हुआ, तो यहाँ लिखा हुआ है पुलिस द्वारा। पुलिस द्वारा पुलिस ने बालक का अपहरण किया है, वह बालक बरामद यानी वह बालक मिल गया है, तो यह वाक्य जो है यह अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा आपका अपहृत बालक पुलिस द्वारा बरामद। यहाँ देखिए पद क्रम है तो अपहृत आपका पहले होना चाहिए, तो यहाँ यह बीच में है, इस वजह से इस वाक्य में पद क्रम अशुद्धि हो गई। अपहृत बालक पुलिस द्वारा बराबर, अपहृत में अपहरण किया, अपहरण किया हुआ बालक पुलिस द्वारा यानी पुलिस ने खोज लिया है, पुलिस को मिल गया है, आपका शुद्ध वाक्य यह होगा। तो इस प्रकार से वाक्य में बहुत प्रकार की अशुद्धियां होती हैं जिनको हमें शुद्ध करना पड़ता है। इस प्रकार से भाषा में कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं जिसके लिए हमें वाक्य शुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। आपके इस चैप्टर में कई प्रकार की अशुद्धियां ली हुई है जिसको आप अच्छे से पढ़ेगा और समझेगा। इसके अभ्यास प्रश्न और क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। इस चैप्टर का केवल एक ही पीरियड दिया जाएगा जिसको आप खुद से करेंगे। थैंक यू।